चेस्ट होम वर्कआउट विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम जॉइंट की स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तब हमारी बॉडी का पूरा वेट जॉइंट्स के ऊपर ही आता है। वेट ट्रेनिंग करने वाले या जिम जाने वालों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, नी पेन, एल्बो पेन, रिस्ट पेन, शोल्डर पेन, ये सभी जॉइंट्स पेन होना कॉमन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेट ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके जॉइंट्स में कोई पेन ना हो, तो सबसे पहले जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। लोअर बैक के जॉइंट में भी ज़्यादातर लोगों को पेन होता है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वेट ट्रेनिंग से पहले जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग कर ली जाए। जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग के बाद थोड़ी सी मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे, जिससे कि वर्कआउट करते टाइम हमारे मसल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई खिंचाव ना हो। 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपका माइंड वर्कआउट करने के लिए तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन को और बढ़ाने के लिए 5 मिनट का वार्म अप करेंगे, जिससे कि मेरी बॉडी वर्कआउट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाए। सबसे पहले लगाएंगे हम देसी दंड। इसके लगाऊंगा मैं 20-20 रेपिटेशंस के 5 सेट। देसी दंड एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अगर आप बिगनर हो, अभी अभी आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है, तो इसी दंड को सही तरीके से लगाने से आपका पूरा चेस्ट बहुत आसानी से ट्रेन हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस एक्सरसाइज को सही टेक्निक के साथ लगाएं। सेकेंड पुशअप्स लगाएंगे हम डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स के हमें लगाने हैं 8-8 रेपिटेशंस के 3 सेट। पुशअप्स लगाने की इंटेंसिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका पूरा मसल ग्रुप अच्छे से स्ट्रेच हो जाए और आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छे से बने। डिक्लाइन पुशअप्स के लगाने हैं हमें 10-10 रेपिटेशंस के 3 सेट। एक तरीका ये है डिक्लाइन पुशअप्स लगाने का। अगर आपसे स्टार्टिंग में ये वाले पुशअप्स नहीं हो पाते हैं, तो 1.5 से 2 फीट ऊंची किसी बेंच पर अपने दोनों पैर रख करके भी डिक्लाइन पुशअप्स लगाए जा सकते हैं। मैं अपने किसी भी वर्कआउट में अपनी स्पीड को हमेशा थोड़ा स्लो ही रखता हूँ, जिससे मुझे अपने मसल्स को अच्छे से फील करने में मदद हो सके। 4th हम लगाएंगे नॉर्मल पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप्स से हमारा लोअर चेस्ट अच्छे से ट्रेन होगा। नॉर्मल पुशअप्स के लगाने हैं हमें 8-8 रेपिटेशंस के 3 सेट। किसी भी वर्कआउट में टेक्निक और स्पीड पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो लोगों को चेस्ट का एक डिसेंट शेप चाहिए होता है, वो नॉर्मल पुशअप से ही आएगा। बीच बीच में मसल की स्ट्रेचिंग भी कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल रहें। हर एक सेट के बीच में 30 से 40 सेकंड का गैप लेंगे। अभी गर्मियां हैं तो मैं कोल्ड वाटर ही प्रेफर करूंगा। 5th हम लगाएंगे वाइड पुशअप्स। जो लोग जिम नहीं जाते और होम वर्कआउट ही करते हैं, उनके लिए वाइड पुशअप्स बहुत ज़रूरी है। जिम में आप यही एक्सरसाइज बटरफ्लाई वाली मशीन से कर सकते हैं। वाइड पुशअप्स ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फाइनल स्ट्रेचिंग के लिए है। स्पीड एकदम स्लो रखनी है, जिससे आपके शोल्डर्स में इंजरी ना हो। फाइनली 1 मिनट की स्ट्रेचिंग और हनुमान दंड लगाकर हम अपना आज का चेस्ट का वर्कआउट खत्म करते हैं। बी वीगन, बी हेल्दी।